ओके क्वेश्चन नंबर थ्री। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन को मैंने उल्टा करके पूछा था। वन प्लस टेन टू थीटा इंटू वन प्लस टेन थ्री थीटा इक्वल टू टू गिवन एंड थीटा लाइज इन बिटवीन जीरो टू फाइव बाई ट्वेल्व, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बट डिफरेंट फॉर्मेट में। मैंने एक नोट कराया था, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई फोर देन वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी कितना था। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई फोर देन वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी इज व्हाट। टू तो रिजल्ट को मैंने उल्टा करा दिया। ठीक है, तो ये भी वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी इक्वल टू टू देन ए प्लस बी इक्वल टू फोर्टी फाइव। ए प्लस बी मतलब फाइव थीटा इक्वल टू फोर्टी फाइव। ये रिजल्ट 45 के लिए होगा, 225 के लिए भी होगा क्योंकि वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट टैन का वैल्यू सेम होता है। तो 45 के लिए होता है, 225 के लिए होता है, 5 प्लस 5 बाई 4 के लिए होता है, 2 पाई प्लस 5 बाई 4 के लिए होता है, 3 पाई प्लस 5 बाई 4 के लिए होता है, सबके लिए ये होगा। तो मेनी सॉल्यूशंस, इसलिए एक रेंज दिया गया कि इसके अंदर आना चाहिए, 0 टू पाई बाई 12 के अंदर दिया गया था। ठीक है, तो 5 थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 थीटा कितना होगा 9 डिग्री, पाई बाई 20 9 डिग्री व्हिच इज लाइज इन बिटवीन 0 टू 15 डिग्री, पाई बाई 12 मतलब 15 डिग्री। ओके, और इसको रखोगे तो आपका आंसर क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, मोर देन 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नहीं, सपोज इफ यू डोंट नो दिस रिजल्ट देन हाउ टू सॉल्व, तो फॉर दैट केस यू कैन यूज योर डायरेक्ट मेथड। ये रिजल्ट मैंने दिया था इसलिए ये आप रिवर्स कर सकते हो। सपोज यू डोंट नो दैट रिजल्ट देन हाउ टू सॉल्व, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो वन प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा प्लस टेन टू थीटा इंटू टेन थ्री थीटा इक्वल टू टू। इम्प्लाइज व्हाट, टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा इक्वल टू वन माइनस ये वन टू माइनस वन वन माइनस टेन टू थीटा टेन थ्री थीटा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, दैट इम्प्लाइज टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा अपॉन वन माइनस टेन टू थीटा टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू वन। ये किसका वैल्यू आएगा, टेन फाइव थीटा, टेन ए प्लस बी टेन फाइव थीटा, टेन फाइव थीटा बिकम वन, वन मीन्स यू कैन टेक टेन फाइव बाई फोर, तो फाइव बाई फोर होता है, फाइव प्लस फाइव बाई फोर होता है, ये जो मैंने लिखा था वही सब एंगल्स होता है, बट बिकॉज योर थीटा लाइज इन बिटवीन जीरो टू फिफ्टीन डिग्री तो फाइव थीटा का रेंज कितना होगा, थीटा गिवन जीरो टू फिफ्टीन डिग्री फाइव बाई ट्वेल्व तो फाइव थीटा का रेंज कितना होगा, फाइव टू सर सेम ही होगा ना, फाइव नहीं नहीं सॉरी सर फाइव टाइम्स जीरो टू सेवेंटी फाइव डिग्री फिफ्टीन डिग्री जीरो टू सेवेंटी फाइव डिग्री फाइव फाइव बाई ट्वेल्व 75 डिग्री तक, तो ये सब एंगल हम ले नहीं पाएंगे। ठीक है, ओनली यू हैव टू टेक फ्रॉम टेक ओनली 5/4। ओके,
दैट इंप्लाइज 5 थीटा को सीधा सीधा पाई बाय 4 मिला थीटा इक्वल टू पाई बाय सो दिस इज योर आंसर Done, sir. Value of cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7, cos 6 pi by 7. It's a different type of question. ये भी series question होता है. इसमें क्या किया जाता है? Multiply and divide. 2 sin pi by 7 एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा बट कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड 2 sin pi by 7 तो ये हो गया 2 cos 2 pi by 7 into sin pi by 7 सेकंड हो गया 2 cos 4 pi by 7 into sin pi by 7 third became cos sorry 2 cos 6 pi by 7 into sin pi by 7 sab kuch sir sin theta mein convert nahi kuch nahi so convert ho jayega na sin 2 theta mein ha sin 2 theta kyun sin 2 theta ka formula kya hai nahi sorry तो ये मैं इसको a मान रहा हूं इसको b मान रहा हूं 2 cos a sin b फार्मूला क्या था किसके फार्मूले से 2 cos a sin b आया था sin a plus b minus sin a minus b तो sin a plus b 2 cos a sin b यू कैन राइट sin a plus b minus sin a minus b use that formula which is 1 by 2 sin y by 7 ye ho jayega sin a plus b what is a plus b 3 pi by 7 3 pi by 7 minus sin a minus b pi by 7 second kya hoga सेम फॉर्मूला 5 5 5 5 7 माइनस साइन 3 5 7 3 5 7 प्लस साइन 7 5 7 माइनस साइन राइट हां सर प्लस sin 5 pi by 7 माइनस sin 5 pi by 7 कैंसिल्ड कैंसिल्ड sin 7 pi by 7 कितना होता है 0 0
दैट जीरो बचा क्या ए वी थे साइन 7.5/7 180 डिग्री ठीक है सर ठीक है सर करेक्ट 7/7 बचा माइनस साइन 5/7 अपॉन 2 sin 5/7 माइनस हाफ इक्वल्स कॉस 2π/3 हम्म सर Done? नहीं सर करो सर एट पॉइंट बोलो 8/9 अच्छा ठीक साइन अल्फा साइन थीटा कॉस अल्फा अरेंज जीपी देन कॉस 2 थीटा कैन बी साइन अल्फा साइन थीटा कॉस अल्फा अरेंज जीपी इसका मतलब क्या है इफ एबीसी अरेंज जीपी देन व्हाट सर A B or A B square? Huh? Square. B. Sine B square is equals to AC. B square equal to AC. So you will get sine square theta equal to sine alpha cos alpha. ठीक है? आपका question options क्या है? अच्छा cos 2 theta पूछा है. तो मैं काम कर रहा हूँ multiply both these sides by 2. So 2 sin square theta became 2 sin alpha cos alpha. Okay. This is your what? 2 sin alpha cos alpha. Sin 2 alpha. Question aapka puch raha hai ki cos 2 theta. आपके पास 2 sin square theta is there. तो how to find out cos 2 theta कैसे मिलेगा? सर वो 1 minus sin 2 alpha जाएगा. Cos 2 theta in terms of sin. सर 1 minus 2 sin square theta. वो ही कर देता हूँ. पहले minus कर देता हूँ both the sides. Then 1 कर देता हूँ plus 1. Right? हाँ सर
जॉइन मीटिंग को क्लोज कर दिया क्या? ऐसा तो नहीं ना? नहीं, ओके। तो दिस साइड पे क्या? कॉस थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन टू अल्फा। साइन टू अल्फा, अच्छा। बट आपका आंसर ऐसा फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है? हाँ सर। तो वो जो कुछ दिया गया पाई बाय फोर माइन एंड अल्फा बाय टू ऐसा फॉर्मेट में दिया गया, तो इसका मतलब ए एंगल का वो सब एंगल क्या मतलब अल्फा में दिया गया, ऐसा कुछ पाई बाय फोर एंड अल्फा में प्लस अल्फा और माइनस अल्फा ऐसा कुछ दिया गया। हाँ सर, ठीक है। आई एम डूइंग वन थिंग, साइन को मैं कॉस कर रहा हूँ, साइन थीटा को कॉस में कैसे लिखेंगे? साइन थीटा को कॉस में कैसे लिखेंगे? कॉस ऑफ व्हाट? रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस ऑफ व्हाट? 90 माइनस थीटा। तो साइन टू अल्फा यू कैन राइट कॉस 90 माइनस टू अल्फा। टू अल्फा, ठीक है। नाउ इसको मानो कि टू ए, फाइव बाई टू माइनस टू अल्फा को टू ए मानो, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? वन माइनस कॉस टू ए। क्या होता है वन माइनस कॉस टू थीटा? क्या होता है कॉस स्क्वायर टू थीटा? टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी सॉरी, टू साइन स्क्वायर थीटा। तो टू साइन स्क्वायर ए, ए मतलब कितना होगा? सपोज इसको भी मैं कॉस में करना चाहता हूँ, तो टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर में? कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा। माइनस थीटा, थीटा मतलब पाई बाय फोर माइनस अल्फा, है ना? ये थीटा था, तो ये पाई बाय टू माइनस थीटा हो गया, व्हिच इज टू कॉस स्क्वायर पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर। कितना हुआ? पाई बाय फोर माइनस माइनस प्लस, ये भी आंसर हो सकता है। तो चेक करो ऑप्शन क्या है। सर बी और सी दोनों है तो तो बी एंड सी बोथ आर डन। ठीक है, हाँ सर, करेक्ट सर, बोथ बी एंड सी। सर आंसर की में सर एक ही दिया गया ना कि दोनों दिया गया? एक ही दिया है सर आप। सी दिया गया, बी सी कर दो दोनों, बोथ आर डन। सर एक मिनट, सर एक मिनट। Done? Yes, sir.
x square plus y square is equal to 1. XY belongs to real number. Then 3x minus 4x cube square plus 3y minus 4y cube square, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, whenever x square plus y square is equal to r square, make it note, if x square plus y square equal to r square given, then always consider x as r cos theta and y as r sin theta. If x square plus y square is equal to r square, then always consider x as r cos theta and y as r sin theta. सेटिस्फाई हो रहा है? चेक करो. इफ यू टेक एक्स एज आर कॉस थीटा, तो इस पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो आर स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. वन मिला ना? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस. हां सर. यस सर. तो x square plus y square equal to 1 मतलब x क्या लिख सकते? r cos theta sin theta cos square, sorry cos theta, cos theta, cos theta रखो, sin theta रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में. तो cos theta, y को क्या ले सकते? sin theta. आप इंटरचेंज करोगे तो फर्क नहीं पड़ता है, बट लॉजिकली फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका जो cos theta होता है ना, वो x एक्सिस पर होता है. कॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेस के ऊपर. बेस के ऊपर बेस आपका एक्स एक्सिस होता है, इसलिए एक्स को कॉस में लिया जाता है. साइन आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है? वाई पे. हाइट. वाई एक्सिस परपेंडिकुलर. वो वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वाई वाई की जगह साइन लिया जाता है. दैट इज द लॉजिक. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट जब पढ़ोगे, ये वो टाइम पर यू हैव टू टेक cos theta and x के जगह r cos theta, y के जगह r sin theta लेना पड़ता है. बट एक केस में आप sin cos को इंटरचेंज करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है? हाँ सर. अब बताओ ये क्या हो जाएगा? When x is the cos theta, 3x minus 4x cube क्या होता है? Sin 3 theta minus cos 3 theta. Minus cos 3 theta. Minus cos 3 theta इसका square. Square. प्लस सेकंड वन क्या होगा? साइन टू थीटा. साइन थ्री थीटा. साइन साइन थ्री थीटा इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या है? वन. ये कॉस स्क्वायर थ्री थीटा प्लस साइन स्क्वायर थ्री थीटा, आंसर क्या हो जाएगा? वन. अरे समझा ये? और ये रखो, ये बहुत आगे काम आता है. नाइन्थ वन किसका डाउट है? इसने तो डाला था. बोलो, नाइन्थ वन किसका डाउट है? मेरा डाउट है सर. किसका? विराज. वशिष. क्यों, क्या किए थे बता?
क्वेश्चन के बाद मतलब क्या कैसे स्टार्ट किए थे वो बताओ। सर समझा ही नहीं था सर, मतलब स्टार्ट कैसे करना वो ही नहीं समझा था। क्यों क्वेश्चन आपके किसमें दिया है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? सबमिशन ऑफ कोटे कोड भी। सबमिशन ऑफ कोटे कोड भी का मतलब क्या है सर? कोटे कोड भी प्लस कोड भी कोट सी प्लस कोट सी कोटे। कोट में पूछ रहा है तो कोट तो यूज करना पड़ेगा इसमें सम प्रॉब्लम। yes, क्या सर? जब क्वेश्चन आपको कोट में पूछ रहा है तो कोट यूज करना पड़ेगा। इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। एक केस होता है कि आप पूरा यूज कर दो कोट बोथ दी साइड्स, तो कोट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कोट पाई। कोट पाई का वैल्यू कितना होता है? जीरो। नॉट डिफाइंड। Undefined, this became undefined. मतलब क्या होगा? Something one by zero or something by zero. Denominator आपका zero होना चाहिए, numerator कुछ भी होगा. For this case आपका, in fact हम लेते हैं कि cos pi by sin pi, cos pi का value one minus one होता है, sin pi का value zero होता है, that's it undefined. ठीक है? अच्छा, cot a plus b plus c का formula क्या था? समेशन कोटे माइनस प्रोडक्ट ऑफ कोटे अपॉन कोटे वन माइनस कोटे ऑल डिवाइडेड बाय वन माइनस समेशन कोटे कोट बी। समेशन ऑफ कोटे कोट बी इक्वल टू वन समथिंग बाय जीरो। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। हाँ, तो डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, आंसर क्या मिला? One. Then summation of cot A cot B would be one. This is one method. Suppose you don't know A plus B plus C ka formula, cot of A plus B plus C ka formula. Suppose you don't know. Then how to solve? Second method. तो क्या करो, a प्लस बी मेक इट पाई माइनस सी, ए प्लस बी की जगह पाई माइनस सी लिखो। नाउ टेक कॉट बोथ दी साइड्स, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ऑफ पाई माइनस कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा मतलब माइनस कॉट सी। कॉट ए प्लस बी फॉर्मूला cot a cot b minus 1 upon cot a plus cot b. cot a cot b minus 1 upon cot a plus b plus cot b cot b plus cot a equal to minus cot c. अब cross multiply कर दो, क्या मिलेगा? cot a cot b minus 1 देखिए minus cot c cot a माइनस कॉट बी कॉट सी। ठीक है, ये दोनों को लेफ्ट साइड ले, दोनों को ये साइड से ये तो क्या मिला? कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल टू समेशन कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू 1 मिला। अब बोलोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो फिर कैसे करेंगे? क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि समझ में नहीं आ रहा, तो आप तो कुछ तो कोशिश करो। इतना तो कम से कम आइडिया आता है कि कॉट यूज करना है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन मुझे कॉट में पूछ रहा है, तो फिर देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज डिफरेंट इशू। इज दैट क्लियर?
वैल्यू ऑफ कॉट 16 डिग्री cot 16 degree cot 44 degree plus cot 76 degree cot 44 degree minus cot 76 degree cot 44 no 16 76 इसका वैल्यू पूछ रहा है तो कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है बिटवीन एंगल्स सर तीन एंगल जो एंगल्स दिया गया है कॉट थीटा कॉट 60 माइनस थीटा कॉट 60 प्लस थीटा है ये 60 अच्छा 60 प्लस थीटा ओके 76 आ रहा है बट फायदा क्या मिलेगा इसमें मुझे कॉट 76 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ओके उसमें फिर कॉट 16 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा उधर कॉट 44 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा ठीक है और क्या रिलेशन 16 प्लस 44 इक्वल 60 16 प्लस 44 इक्वल टू 60 डिग्री व्हिच इज योर नोन एंगल ठीक है तो ये केस में प्लस कर दो 76 44 120 डिग्री ये केस में भी आप प्लस कर रहे हो ये दोनों का डिफरेंस 60 ठीक है तो एक केस में मुझे यूज करना है कि कॉट ए प्लस बी ठीक है व्हाट इज द कॉट ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी कॉट ए कॉट बी माइनस वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मल्टीप्लाई प्लस बी इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी बराबर बट मुझे एक माइनस वन चाहिए तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ माइनस वन कर रहा हूँ उसको प्लस वन प्लस वन भी करेंगे हाँ सर राइट एक माइनस वन क्या प्लस हाँ सर लाइक सेकंड केस में भी एक माइनस वन करेंगे एक प्लस वन भी करेंगे अरे प्लस ठीक है थर्ड केस में क्या होगा एक्चुअली कॉट ए माइनस बी यूज करना पड़ेगा सर हो गया ऑलरेडी कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए है ना तो एक केस में मुझे प्लस वन करना पड़ेगा हाँ सर कॉट बी माइनस कॉट ए ओके प्लस वन करना पड़ेगा एक्चुअली इससे पहले माइनस है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ अंदर कर रहा हूँ प्लस वन तो कितना क्या क्या मैंने वो तो प्लस वन था ठीक है अब इसके अंदर मैंने प्लस वन क्या एक्चुअल मैंने व्हाट यू डिड हियर सर नॉट प्लस वन सर हाँ तो कॉट 76 और कॉट 16 है ना ओके तो दोनों का एडिशन 60 नहीं आता 60 लिखा है कि 80 डिफरेंस है वो एडिशन में 16 नहीं आता डिफरेंस है वो डिफरेंस में आएगा
ऐसा डिफरेंस का है दिखाई नहीं दे रहा क्या? नहीं सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है सर थोड़ा. हाँ सर ब्लर दिख रहा है. तो टर्म को मैं नीचे रखता हूँ. तो इसके लिए ये था माइनस ऑफ कॉट 76 इनटू कॉट 16 ये था ना. ये दोनों का डिफरेंस मुझे दे रहा है 60 डिग्री. ओके तो देयर यू हैव टू यूज कॉट ए माइनस बी फॉर्मूला. कॉट ए माइनस बी फॉर्मूला इज द कॉट ए कॉट बी प्लस वन. तो इसमें मुझे प्लस वन चाहिए बट इनसाइड योर ब्रैकेट एक्चुअली व्हाट यू डिड माइनस वन किए नॉट प्लस वन. यस सर ये ब्रैकेट को ओपन करोगे तो एक्चुअली यू डिड माइनस वन. ठीक है तो इसमें भी माइनस वन किए इसमें भी माइनस वन किए इसमें भी माइनस वन किए तो तीन बार प्लस वन करना पड़ेगा. सर बट ये प्लस वन माइनस वन उससे अच्छा सर आप कॉट ए कॉट बी का वैल्यू ढूंढ सकते हैं ये फॉर्मूला से कॉट ए प्लस बी से कॉट ए प्लस बी. आप इससे कॉट ए कॉट बी कैसे ढूंढोगे? कॉट ए प्लस बी इंटू कॉट ए कॉट बी प्लस वन. सर फिर कट जाएगा वो तीनों वैल्यू में कट जाएगा और लास्ट में थ्री बचेगा सर. सर मैंने किया है सर. ठीक है तो मैं तो वही कर रहा हूँ आप जो किए आप कॉट ए कॉट बी को ही यूज किए. कॉट ए कॉट बी आप यूज किए इक्वल टू कॉट ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉट ए कॉट बी बाद में प्लस वन ऐसे किए कि नहीं कि और कुछ किए? नहीं सर यही किया. हाँ तो वो जो बाद में आप प्लस वन किए मैं पहले से माइनस वन करके प्लस वन कर रहा हूँ ना. हाँ ओके. आप यही फॉर्मूला यूज किए मैंने भी वही फॉर्मूला यूज किए आप सिर्फ इसको यूज किए मैंने ये टोटल को यूज किया इतना ही डिफरेंस. मुझे कॉट ए कॉट बी माइनस वन आ जाएगा तो मैं सीधा लिख पाऊंगा कि कॉट ए प्लस बी इंटू कॉट ए कॉट बी. तो इसलिए माइनस वन करके प्लस वन कर दिया इधर भी माइनस वन करके प्लस वन किया. ये फॉर्मूला था कॉट ए कॉट बी प्लस वन इसलिए प्लस वन किया माइनस वन कर रहा हूं बट माइनस वन ब्रैकेट में करेंगे नॉट ये. तो इससे पहले माइनस था इसलिए एक्चुअली ये प्लस वन नहीं है ये एक्चुअली माइनस वन. तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस वन किया. सर सर वह कॉट ए प्लस कॉट बी आएगा ना क्या? नीचे सर कॉट ए सर उस फॉर्मूला लिखा ना नीचे आपने कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस बी इंटू कॉट ए प्लस बी ना कॉट ए प्लस कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस बी क्यों नीचे नीचे सर आपने क्या किया सर दिस फॉर्मूला कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस बी यू टू कॉट ए प्लस बी ऑन द अदर साइड राइट. हेलो बताओ. हेलो हाँ बोलो. हाँ सर तो नीचे आपने इधर cot a plus b इधर प्लस साइन डाला है. हाँ सर. अच्छा इधर प्लस बराबर. यस सर. तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर को मैंने टारगेट किया था आप इसको टारगेट कर रहे तो ठीक है चलेगा. मैं पूरा न्यूमरेटर को टारगेट किया था आप सिर्फ एक उसका पार्ट को टारगेट किए तो आज ही लाइक. अब बताओ कॉट ये अभी समझ में आया तीन बार प्लस वन किया तीन बार माइनस वन किया. हाँ सर ठीक है ना. इसमें एक माइनस वन किया उसको बैलेंस करने के लिए प्लस वन माइनस वन प्लस वन ये भी एक्चुअल माइनस वन प्लस वन. हाँ सर ठीक है. अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस वन. कॉट ए कॉट बी माइनस वन क्या होगा कॉट ए प्लस बी इनटू कॉट ए प्लस कॉट बी कॉट ए प्लस कॉट बी राइट. हाँ सेकंड का क्या होगा
cot a plus b मतलब cot 120 into cot 76 plus cot 44. थर्ड का क्या होगा मतलब दिस फॉर्मूला cot a minus b cot a minus b is the 76 minus 60 cot a minus b into cot b minus cot a cot b minus cot a 16 cot 16 degree minus cot 7 cot 16 minus cot 76 minus cot 76 यहाँ पे गड़बड़ मत करना ये cot b minus cot a प्लस सर क्यों लाइक cot 17 76 माइनस cot 16 cot b माइनस cot d होता है ना सर ओ सॉरी 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 सो सॉरी सर सो सॉरी cot 60 का वैल्यू 1/√3 कॉमन ले लेने का मत लो चलेगा रखो नहीं तो रखो ठीक है रूट थ्री कॉमन रखना है तो रखो ये 1/√3 cot 16 प्लस में ये माइनस में माइनस में ये घट गया 44 प्लस और सर ये माइनस में 44 माइनस कट गया Done? Nice, sir.
sec alpha minus beta sec alpha plus beta in AP means what? Sec alpha equals sec alpha minus beta sec alpha minus sec alpha equal to sec alpha plus beta minus sec alpha. Or sec alpha minus beta equals sec alpha plus beta minus sec alpha. Implies what? If ABC are in FP, then you are telling B minus A equal to C minus B. Okay. इसके बाद क्या लिख सकते हैं? B equals A. Sir, B equal to AC. B equal to A plus B. Equal to A plus C. A plus C. Sir, वो क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा. Sir, इधर sec क्या लिखा है? इधर. इधर sir cos अल्फा sec. हाँ. ये क्वेश्चन है. इसका वैल्यू पूछा है. नहीं सर, वो सेक के बाद एंगल क्या लिखा है? अल्फा है. बीटा बाय 2. क्वेश्चन में है. नहीं दिख रहा है सर, ब्लर दिख रहा है. आपके क्वेश्चन में है तो आप क्वेश्चन देखो ना. इस कॉस अल्फा इनटू सेक बीटा बाय 2 पूछा है क्वेश्चन में, तो आपके पास क्वेश्चन है कि नहीं है? तो जो क्वेश्चन में मैं कुछ अभी तक स्टार्ट नहीं किया ना, तो क्या लिखेंगे इसको? यूज दिस वन. टू सेक अल्फा इक्वल टू इज इक्वल टू सेक अल्फा प्लस बीटा प्लस सेक अल्फा माइनस बीटा. तो सेक अल्फा प्लस बीटा प्लस सेक अल्फा माइनस बीटा is equal to 2 sec alpha. उसको मैं सब cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे sec of a plus b का फॉर्मूला मुझे तो पता नहीं, तो you need to convert to cos. So make it 1 by cos of alpha plus beta plus 1 upon cos of alpha minus beta equal to 2 upon cos of. ठीक है, न्यूमरेटर क्या होगा? कॉस अल्फा माइनस बीटा. सो न्यूमरेटर पूछो ना आपने. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना होता है? हाँ सर, कितना होता है? 2 cos alpha cos beta. 2 cos alpha cos beta. Denominator क्या होगा? Cos. Cos square alpha minus sin. Cos square alpha cos square beta minus sin square alpha sin square beta. Formula दिया था. Sir, cos square alpha minus sin square beta. Very good. Cos square alpha minus sin square beta equal to 2 upon cos alpha. 2 cancelled. Cross multiply karo. So numerator kya hua? Sorry. Cos square alpha. Cos square alpha cos beta equal to cos square alpha minus sin square beta. Am I right? हाँ सर. कॉस स्क्वायर अल्फा टर्म को एक साइड पे ले जाओ, साइन स्क्वायर बीटा को इधर ले. तो ये दोनों से यू कैन टेक कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन. बचा क्या? 1 माइनस कॉस बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा. सर फिर से रिपीट करोगे? सर खुद देखो, समझ में नहीं आ रहा तो बताओ. मैंने कुछ भी नहीं किया, जो समझ में नहीं आएगा. समझ गया? नहीं समझो तो बताओ.
समझ गया सर, समझ गया सर, ठीक है ना सर? नहीं समझा इसको, नहीं अरे cos स्क्वायर अल्फा को वो साइड लेके गया और cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया है, वे sin स्क्वायर बीटा को उधर लेके गया होगा। हां ठीक है समझ गया सर, समझ गया। सर आपने म्यूट किया है, सर आपने म्यूट किया अपने आपको। साइन स्क्वायर बीटा को ऐसे फॉर्मेट में क्या लिख सकता हूं? वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल वन प्लस कॉस बीटा, वन माइनस वन प्लस कॉस, वन प्लस कॉस बीटा इनटू वन माइनस कॉस बीटा, बराबर? हाँ सर। हाँ करो कैंसिल। हाँ सर ठीक है। एक्चुअली कैन आई कैंसिल बोथ दी साइड्स? ऐसे कैंसिल होता है क्या? सपोज ए बी इक्वल टू एस सी इंप्लाइज व्हाट? जीरो कितना होता है? जीरो सर अगर ए को रियल नंबर होगा तो ए रियल नंबर होगा तो फिर सर ए इज अ रियल नंबर। हाँ जीरो क्या रियल नंबर नहीं है क्या? सर वो होल नंबर होता है। अरे बाबा रे बॉस, अरे रियल नंबर है ना, रियल नंबर बड़ा है कि होल नंबर बड़ा है? सॉरी सॉरी सर, सर नेचुरल नंबर। ओ नेचुरल नंबर, तो एवरी रियल नंबर, एवरी होल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो होल नंबर रियल नंबर कैसे अलग हो जाएगा? हाँ जो होल नंबर इसको हम रियल रियल हो सकता है नहीं हो सकता है, दैट इज सॉरी जो रियल नंबर वो होल नंबर होगा कि नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट इशू। बट एवरी होल नंबर इज द रियल नंबर। हाँ सॉरी सर, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो फिर क्या लिखोगे? A B equal to C implies B equal to C, right or wrong? For every non-zero integer. So non-zero integer. 2 into 1 equals 8 into 1 लिखेंगे सर। क्या क्या लिखोगे? Sir. So it doesn't make sense, sir. अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए ए कैंसिल हो रहा है क्योंकि ए सेम है, बी इज इक्वल टू सी कैसे सेम हो सकते हैं? अगर सेम होगा तो वो भी कैंसिल होएगा ना। डजंट मेक सेंस सर, कहां से कैसे करके मैथ्स कर रहे हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों इक्वल नहीं होगा। हाँ सर। Suppose 2x equal to 2y, can I cancel 2 or not? Yes sir. Yes sir. So that time you have to cancel 2. क्योंकि x equal to y होगा, x अलग, other than y होगा तो फिर क्या होगा? 2x never 2y. ठीक है ना? तो here you can cancel. इसमें क्या problem हुआ?
तो व्हेन इट इज ab इक्वल टू ac सर आप अटक गए हेलो हाँ हेलो बोलो सर बेटा बोलो सर उसका कुछ प्रॉब्लम है सर आपका हाँ अभी आ रहा है सर हाँ बता सर फिर से अटक गए मैं नहीं अटका हेलो सर बोला ना उसका ही प्रॉब्लम है हेलो बोलो बोलो सर अभी लास्ट चीज जो समझा है वो फिर से समझाओ ना अटक गया था सर AB equal to AC implies what? School में सब करके आए हो AB equal to AC then सर फिर से अटक रहे हैं आप बीच बीच में अरे मैं नहीं अटका आप अटक रहे हो बाकी सबको सुनाई दे रहा है सर एक मिनट लीव करके फिर से आता हूँ सर आ जाओ बाकी बताओ AB equal to AC then what product are same क्या लिखोगे if AB equal to AC then मैं क्या लिखूंगा If you write B equal to C, then ये गलत आ रहा है। तो सही क्या है? A is not equal to zero. ये जीरो होगा तो? ये जीरो होगा। पर सर अगर A equal है, सर अगर A equal है, तो सर B और C का वैल्यू भी इक्वल होना ही चाहिए ना सर। तो जब तब जाके वो लोग इक्वल हो गए ना सर। ये A क्या है? अगर ए दोनों भी साइड है सर ए कटर तो सर बी इक्वल टू सी होना ही चाहिए अगर वो लोग को इक्वल होना है ए इनटू बी इक्वल टू ए तो मैंने तो इसलिए तो किया था ना जो 2 इनटू 0 8 इनटू 0 किया था जबकि दोनों दिखाई दे रहे इक्वल इसका वैल्यू एलएचएस इक्वल टू आरएचएस सर 0 0 कटने होगा तो आपको मैंने जब दिया था ए बी इक्वल टू ए सी मैंने बोला था ये नॉन जीरो आप कैसे अजीम कर लिए कि ये नॉन जीरो कैंसिल क्यों कर दिए सर जीरो कैंसिल नहीं होगा ना सर हाँ सर, जीरो कैंसिल नहीं होके इक्वालिटी हो जीरो कैंसिल नहीं होता है क्योंकि जीरो को डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होता है इसलिए जीरो कैंसिल बोथ साइड कैंसिल नहीं होता है तो मैंने जब क्वेश्चन आपको पूछा था AB equal to AC आपको मैंने बताया था क्या ये नॉन जीरो नहीं सर तो आप कैसे अज्यूम कर देती है नॉन जीरो कैंसिल क्यों कर दिए मैं तो वही पूछ रहा हूँ अंडर व्हाट अजम्पशन यू कैंसल्ड योर ए मैं तो वही पूछ रहा हूँ आप क्यों कैंसिल किए इसमें कैंसिल करोगे क्यों ये दिखाई दे रहा है कि ये नॉन जीरो 2x equal to 2i, you can cancel 2, क्योंकि 2 दिखाई दे रहा है कि non-zero, but when it is unknown, AB equal to AC, आप A को क्यों cancel कर दिए? आप A को cancel करोगे मतलब आपको assume करना पड़ेगा कि A is non-zero, but ऐसा कुछ कहीं पे दिया गया क्या? A non-zero, cancel नहीं होता है, तो क्या किया जाता है इसको? आपका जो आंसर आएगा ये भी आएगा इसके साथ और एक आंसर आएगा दैट इंप्लाइज AB माइनस AC इक्वल टू जीरो टेक A कॉमन देन B माइनस C इक्वल टू जीरो नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स जीरो इंप्लाइज व्हाट या तो सर A इक्वल टू जीरो होगा या A जीरो या B माइनस C जीरो दैट इंप्लाइज इधर A इक्वल टू जीरो और B इक्वल टू C तो आपका ये भी आएगा इसके साथ ये भी आ सकता है एक सर कुछ आंसर में ओके तो आप ए को कैंसिल कर दोगे मतलब आप एक सेटअप सॉल्यूशन को मिस कर रहे हो एक सॉल्यूशन को आप इग्नोर कर रहे हो इसमें दो केसेस आता है आइदर ए जीरो हो जाएगा नहीं तो बी इक्वल टू सी होगा इफ ए नॉन जीरो गिवन देन कैंसिल जैसे कि मैंने 2x इक्वल टू 2y दिया था तो 2 2 कैंसिल होता है क्योंकि 2 नॉन जीरो बराबर यस सर हाँ
तो जहां पे जीरो आने का चांसेस है देयर यू कांट कैंसिल, ये होता है लॉजिक, ठीक है, उसको कॉमन लिया जाता है। तो माय क्वेश्चन इज सर, यस सर, फिर से समझा सकते हो? मेरा मैं नेट का इशू था तो मैं वापस लीव पर के आया था, तो थोड़ा प्रॉब्लम। अभी पता है ना? सॉरी, अभी तो पता है ना सर, मैं लीव किया था ना तो वापस आने में टाइम लगा, नेट का वाईफाई ठीक करा था। इफ AB इक्वल टू AC इंप्लाइज व्हाट? B is equal to C. तो उसको मैं कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ। 2 into 0, 8 into 0, both are equal or not? Is it true or not? Both are equal. Yes. Okay. That means it looks like say B equal to AC. Yes. Okay. So here what you did, you cancelled A, then you called B equal to C. So now I'm cancelling 0. You are getting your answer as 2 equal to 8. Not possible. So if it is not possible, then why it is possible? This is my question. If here not possible, then why it is, why B equal to C here? So then it is a paradox then. तो क्या आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो फिर B is not equal to C. ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर मैं लिखूंगा 2 into x equal to 2 into y. अभी कैंसिल करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर करूंगा। हाँ तो फिर x equal to y होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। फिर कैसे आ गया? आप अपने बात को भी कंट्राडिक्ट कर रहे हो। पता नहीं सर कैसे है। सर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा। तो इसमें ऑलवेज बी इक्वल टू सी नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो कैंसिल नहीं होता है बोथ दी साइड्स। कोई भी टर्म को आप कैंसिल करने से पहले उसको डिवाइड किया जाता है। हियर 2 कैंसिल्ड, तो इसमें x इक्वल टू y मिला। बट इफ यू डिवाइड जीरो, जीरो हो रहा है सर, अनडिफाइंड होगा, जीरो नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा, सॉरी अनडिफाइंड, सॉरी, इसलिए कैंसिल नहीं हो पाता है जीरो। तो आपको जब AB इक्वल टू AC दिया गया, अंडर व्हाट अजम्पशन यू कैंसिल A? बाय अजम्पिंग A इज नॉन जीरो। यस सर, तो कैंसिल होगा, A इज नॉन जीरो। हां तो मैंने क्वेश्चन में आपको दिया था A नॉन जीरो, तो आप ऐसे कैसे अजम्प कर सकते हो? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? AB माइनस AC इक्वल टू जीरो किया जाता है। AB माइनस AC इक्वल टू जीरो, देन टेक A कॉमन, B माइनस C इक्वल टू जीरो। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स जीरो, इंप्लाइज व्हाट? A इक्वल टू जीरो और B इक्वल टू, और B इक्वल टू जीरो, B माइनस C इक्वल टू जीरो। तो A इक्वल टू जीरो और B इक्वल टू C, आपको जो आंसर मिला था वो भी मिला, उसके साथ और एक आंसर भी आ सकता है, A जीरो हो सकता है। यस सर समझ गया। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन आई कैंसिल 1 माइनस cos b बोथ दी साइड्स ऑफ नॉट? नो सर। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर cos जीरो हो जाएगा तो वो, सॉरी हाँ, अगर cos 0 हो जाएगा तो वो 1 minus 1 हो जाएगा, which is 0. तो cos square alpha is not equal to 1 plus cos b beta. क्यों ऐसा क्यों नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? सर सर सर, cos square alpha into 1 minus cos b था, और sin square beta को हम लोग ने 1 plus cos beta और 1 minus cos beta किया, और 1 minus cos beta 1 minus cos beta cancel किया, तो फिर बचेगा cos square alpha is equal to 1 plus cos beta, और सेम सिनेरियो आ जाएगा ना सर, AB is equal to AC, A cancel हो गया तो B is equal to C वैसा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है?
आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हो कि समझ में आ रहा है फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो AB इक्वल टू AC इंप्लाइज व्हाट? आपके पास दो सोल्यूशन होता है, इधर A इक्वल टू जीरो होगा नहीं तो B इक्वल टू C होगा। तो आपका ये इक्वल टू ये होगा नहीं तो वन माइनस कॉस बी इक्वल टू जीरो होगा। हाँ सर। तो हम कब कैंसिल करते हैं? टू एक्स इक्वल टू टू आई इंप्लाइज व्हाट? एक्स इक्वल टू आई, एक्स इक्वल टू आई, इधर टू कैंसिल होता है, क्यों होता है? बिकॉज इट डिवाइड टू बाय बोथ साइड्स, बिकॉज इट इज नॉन जीरो। नॉन जीरो क्वांटिटी को आप कैंसिल कर सकते हो, जीरो क्वांटिटी को आप कैंसिल कर नहीं सकते हो, दैट इज द फंडामेंटल। यस सर। बोथ दी साइड्स यू कैन कैंसिल नॉन जीरो क्वांटिटी, नॉट योर जीरो क्वांटिटी। आप ये जब मैंने कैंसिल किया, आपको देखना है कि वेदर इट इज जीरो और नॉन जीरो, इतना ही आपको चेक करना है। ओके सर। इफ इट इज वन माइनस कॉस बी इक्वल टू जीरो देन डोंट कैंसिल, उसको कॉमन रखो। इफ वन माइनस कॉस बी नॉन जीरो बिंदास काटो। ओके सर। अब मुझे बताओ इधर कैंसिल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे ना। कैसे मतलब ये कैसे पता चला नॉन जीरो? नहीं कर पाएंगे। वन माइनस कॉस बी जीरो होगा तो क्या होगा? कैंसिल नहीं कर पाएंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे, सॉरी सॉरी। वन माइनस कॉस बी जीरो होगा तो क्या होगा? एंगल भी क्या होगा? जीरो 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 होगा तो ये तीनों टर्म क्या होगा? अल्फा 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 सेम टर्म आ जाएगा, तीनों सेम टर्म आएगा। तो मुझे ये सब कोई फिर इधर क्या हो जाएगा, ये सब कोई प्रूफ करना नहीं पड़ेगा। कॉस अल्फा मतलब ये तीनों टर्म, व्हेन थ्री टर्म्स आर इक्वल आल्सो दे आर इन एपी, बट यहाँ पे अनइक्वल टर्म्स आना चाहिए, सो दैट ये क्या होगा, अदरवाइज ये सब कुछ सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीटा जब जीरो हो जाएगा इधर भी वन बाई कॉस अल्फा प्लस वन बाई कॉस अल्फा इक्वल टू टू बाई कॉस अल्फा आ गया, एवरीथिंग एपी में आ गया सर। ये सेक अल्फा सेक अल्फा सेक अल्फा आ जाएगा। ओके okay, मतलब सब कुछ सेम ही है, सब कुछ सेम हो जाएगा, तो आपको कोई लेने का जरूरत नहीं, वो ऑटो सेटिस्फाई हो जाएगा। यस सर। नथिंग टू प्रूव, प्रूव आपका करना नहीं पड़ेगा। आपका जो क्वेश्चन था कि cos alpha equal into sec beta by 2, तो आपको होगा सर जो रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि cos alpha आप कुछ निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि LHS always RHS के साथ इक्वेट होता जाएगा। हाँ सर। ठीक है सर। बीटा इज इक्वल टू जीरो, आपको क्या मिला? cos beta, इसमें डालो 1 plus cos theta का formula, कितना होगा? सर किसमें सर? 1 plus cos beta में? सर वो हो जाएगा 2 cos theta by 2 beta. 2 cos square? 2 cos square beta theta by 2. Beta by 2. तो cos square alpha equal to 2 cos square beta by 2. Implies what? Cos alpha कितना होगा? Cos alpha equals to cos alpha कितना होगा? root 2 cos beta by 2. Once again, root 2 cos beta by 2. Sir, can you repeat sir? नहीं repeat कर पाएंगे। Sorry? Repeat नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे फिर? मतलब एक चीज को हम कितने, एक question को हम मतलब 15 मिनट के ऊपर हो गया, कैसे करेंगे? प्लस माइनस रूट टू,
आप अभी भी बोल रहे हो कि रूट टू कॉस बीटा बाय टू आपको मैथ्स 8 स्टैंडर्ड से फिर पढ़ना पड़ेगा। अभी भी आप बोल रहे हो कि कॉस अल्फा रूट टू कॉस बीटा बाय टू, मैं वही बोल रहा हूँ आपको 8 स्टैंडर्ड से फिर मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। x स्क्वायर इक्वल टू 4, x क्या होता है? प्लस माइनस टू। उधर आप प्लस माइनस टू बोल रहे हो, व्हाई नॉट हियर? प्लस माइनस रूट टू कॉस बीटा बाय टू। बीटा बाय टू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस रूट टू सेक बीटा बाय टू, सॉरी वन अपॉन सेक बीटा बाय टू। बराबर ना? हाँ सर। यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिला? sec beta by 2 equals to root 2 by cos cos alpha equal to root nahi cos plus minus interchange ha to sir kali root 2 aayega na sir answer cos alpha into sec beta by 2 kya mila plus minus root plus minus root 2 so there are two answers either plus root 2 or minus root 2 samjhaiye यस सर। एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम कैसे कर सकते हैं आप बताओ? पूरा क्लास चला जाता है तो ये में डाउट में। कॉन्सेप्ट में करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप स्कूल लेवल में कैसे किए थे सब? हर जगह से कैंसिल करके आए थे क्या? AB equal to ACA को हमेशा कैंसिल करके आए थे? हाँ बोलो। हो गया ना? इफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, इफ नहीं, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ एंगल लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू ऑन इट, देन द लीस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। This is your right angle triangle. Let us take ABC. यहाँ से आप perpendicular draw कर रहे हो to the hypotenuse. Let this length is the P. तो hypotenuse length कितना होगा? 4P. 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 Let us take this angle is the theta. तो ये एंगल को कितना लिखूंगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। यस, लेट अस टेक दिस इज डी। अब सीडी को क्या लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पी एंड थीटा में? साइन। CD को क्या लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पी एंड थीटा?
मेरे पास बी सी लेंथ नहीं है तो tan theta tan theta tan theta yes p tan theta equals b c tan theta equal to p by c d tan theta तो p c d क्या हो जाएगा tan theta by सर एक सेकंड P tan sir CD is equals to BP by AD tan theta क्या दिखाई दे रहा है P by CD P by CD P by CD CD को क्या लिखेंगे P upon tan theta tan theta P upon tan theta means P cot theta बराबर हाँ sir हाँ sir तो इसका भी एडी क्या हो जाएगा पी पी कॉट थीटा नहीं थीटा नहीं पी कॉट 90 माइनस थीटा हाँ ये होगा ना आसान नहीं तो आप ये 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा आप कर सकते हो अभी टैन थीटा भी आप निकाल सकते हो टैन थीटा क्या होगा आपका एडी अपॉन AD upon तो AD क्या होगा P tan theta not P upon tan right अब दोनों का sum ले रहा take that sum what is AD plus CD AC AC के जाए क्या लिखेंगे 4P A square plus B square AB square plus BC square 4p 4p equal to p into tan theta plus cot theta theta plus cot theta sir 2 upon sin theta 2 upon sin theta 2 upon sin theta very good p cancelled or not okay sin theta equals to half can I cancel p or not yes sir you can cancel p क्यों क्योंकि सर वो जीरो नहीं है ना सर उसका वैल्यू दिखने को आ रहा है पी कभी जीरो हो नहीं पाएगा क्योंकि पी तो लेंथ है लेंथ हां सर तो इसको आप कैंसिल कर दो यस सर ठीक है आल्सो 2 इक्वल कैंसिल्ड यस सर तो sin थीटा के साथ हां मतलब sin थीटा शुड बी 30 डिग्री 2 दैट इज sin 30 डिग्री ठीक है और sin 150 डिग्री भी होगा ठीक है ना हाँ सर 30 डिग्री और राइट एंगल ट्रायंगल में 130 डिग्री होता नहीं क्या राइट एंगल ट्रायंगल में 150 डिग्री होता नहीं 2 थीटा क्यों नहीं होगा नहीं सर वो मेरे राइट एंगल ट्रायंगल में 150 डिग्री नहीं हाँ बट ये 2 थीटा ना 2 थीटा का वैल्यू 2 थीटा क्यों नहीं होगा आप आगे ना 2 थीटा हो सकता है ना आपको लेकिन लीस्ट एंगल चाहिए ना लीस्ट एंगल पूछा है 75 डिग्री That is different issue, but 150 degree आ सकता है। आ सकता। Right angle triangle का कोई एक double angle, 2 theta, नहीं तो ये angle को theta माना, इसका double 150 हो सकता है। हाँ sir, वो तो पता है। हो सकता है। तो right angle triangle में जो बोल रहे कि 150 नहीं होगा, ये होगा। ये कब नहीं होगा? जब theta होगा। Theta 150 नहीं होगा, but 2 theta 150 हो सकता है। क्योंकि आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल क्या होगा अप टू 90 डिग्री तक हो सकता है ना एक तो 90 डिग्री दूसरा एंगल अप टू 90 डिग्री तक हो सकता है मतलब जस्ट लेस देन 90 डिग्री तो उसका डबल टू 180 तक जा सकता है तो इसलिए 150 भी होगा तो 2 थीटा कितना आया बट मुझे लीस्ट एंगल पूछा था दैट्स व्हाई डोंट गो फॉर दैट वन तो 2 थीटा हो गया 30 डिग्री आप इसको रखोगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं 150 डिग्री तो थीटा कितना आएगा 15 और डिग्री और 75 डिग्री तो ये 15 होगा तो ये 75 होगा ये होगा देखो राइट एंगल ट्रायंगल ये 15 होगा तो वो 75 होगा ही होगा इसलिए वो दोनों एंगल आ रहा है आपका लीस्ट पूछेगा तो 15 मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा मतलब अदर देन 90 75 तो सबसे बड़ा एंगल अदर देन 90 अदरवाइज 90 तो बड़ा होगा 75 होगा हाँ सर ठीक है सर आंसर की में गलत दी आंसर सर आंसर गलत दी आंसर की में गलत
गलत दिया है. देन लीस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल 13. डी आएगा ना आंसर. हाँ डी आना चाहिए. बी दिया गया क्या? हाँ गलत गलत. रब करो. हाँ सर. अब समझा कहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं कहाँ पे नहीं कर सकते. सपोज पी का वैल्यू 0 होने का चांस होता तो मैं कैंसिल कर नहीं पाता. हाँ सर. a plus b equal to 5 by 3 ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं. a plus b equal to 5 by 3 then cos square b minus cos a cos b ऐसे क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. इस बार बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ये सब नहीं बताऊंगा. एक चीज को बार बार नहीं होता है. cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b का कोई फॉर्मूला था? अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़े cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b ऐसा कुछ फॉर्मूला था? नहीं सर. नहीं सर. ये सर नो. Was there any formula cos square a plus cos square b? नहीं सर. नहीं. कौन सा फॉर्मूला इसी हिसाब से था? सर cos square b minus cos square a. हाँ सर. cos square b minus cos square a. अच्छा. तो ऐसा तो कर नहीं पाएंगे. माइनस तो प्लस प्लस को तो माइनस कर नहीं पाएंगे. ठीक है ना. और क्या फॉर्मूला था? cos square a minus sin square b. cos square a minus sin square b किसका फॉर्मूला था? और cos a plus b cos a minus b. cos a plus b cos a minus b. cos a plus b into cos a minus b. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है ना. तो can I make that one as cos square a minus sin square b? चेक करो. हाँ सर. Yes sir. तो cos square b को 1 minus sin square b. pi by 2 minus b. बराबर. इसमें एक टू मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया cos स्क्वायर b को किया 1 माइनस sin स्क्वायर b. फार्मूला cos a plus b into cos a minus b. तो cos a cos b फार्मूला cos a plus b minus cos a minus cos a plus b plus cos a minus b cos a plus b plus cos a minus b. All right. ठीक है. अब a plus b की जगह 5 by 3 डालो. cos 5 by 3. 1 by 2. सर अब 5 by 3 है कि 5 by 2 है? 5 by 3. क्वेश्चन में देख ले बेटा. ये तो क्वेश्चन लिखा ना. You can check. cos a plus b. Half. Plus cos a minus b. कितना? Minus half cos a minus b. Plus cos a minus. Okay. 1 minus 1 by 4. 3 by 4.
नेक्स्ट टाइम ये फॉर्मेट नहीं बताऊंगा, पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके और नहीं करेंगे। यस सर। ओके सर, आपको याद रखना पड़ेगा, आपको हमेशा ढूंढना पड़ेगा फॉर्मूला में क्या क्या करूंगा तो फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी उसका फॉर्मूला नहीं होता है तो उसको कोई एक को चेंज करके माइनस किया जाता है। सर हाँ बोलो। आपने सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया? ये नहीं, वो राइट साइड में ये हाँ ए प्लस बी की जगह पाई बाय थ्री डाला। नहीं वो ए माइनस बी वो नीचे में वो हाफ इन कुछ नहीं किया, ये तो हाफ था ऑलरेडी वन बाय टू। हाँ टू कॉस ए प्लस बी की जगह कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डाल दिया, कुछ नहीं किया। ये हाफ इनटू कॉस ए माइनस बी, ये माइनस में रहा ये प्लस में रहा कैंसिल हो गया। अरे ओके डन। यस सर। आप पूरा दो घंटा ले जाओगे एक एक पेपर डिस्कस करने के लिए, ऑलरेडी 1 hour 35 minutes। इन्हें ट्रायंगल एबीसी ये तो नहीं बताऊंगा, ये किसका डाउट है? ये तो लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। Then summation of tan A tan B, ये दोनों को लेके कौन सा फॉर्मूला था? सर cos cos of A plus B cos A plus B plus A। चलो मैक का बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, वेरी गुड। cos of A plus B plus C फॉर्मूला क्या था? cos A cos B cos C into 1 minus sigma tan A tan B। Everything is there. क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन? तो cos a plus b plus c equal to cos a cos b cos c equal to 1 minus summation of tan a tan b। a plus b plus c कितना दिया गया? 180 degree। 180 degree होता है ना तो a plus b plus c तो 180 pi cos pi का वैल्यू 180 minus 1 इसका वैल्यू 1 by 3 तो 1 minus summation of tan a tan b minus 3 तो tan a tan b equals to 4। क्या ये क्वेश्चन? लास्ट टाइम डिस्कस किया आपने, सिखाया था कॉस और साइन का वैल्यू। मैं सब कुछ सिखाया, तुम कुछ नहीं सीखे हो। जिसको नहीं आया जिसको आया वो सीखा है। इसको नहीं आया था क्वेश्चन? डन। हमेशा क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला ढूंढो बस, फिर बन जाएगा। अच्छा लास्ट टाइम क्या कहे थे सर? वो cos 60 into cos 60 minus theta upon cos 30 cos। ठीक है हाँ वो चला। साइन 18 डिग्री निकाले थे क्या? नहीं सर, वो साइन 18 डिग्री निकालना है तो आपने बस वैल्यू बताया।
उस टाइम पे प्रूव दैट साइन 18 डिग्री इक्वल टू मैंने बता दिया था ऑलरेडी रूट 5 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 ओके ये प्रूव करो एक हिंट मैं दे सकता हूँ 18 डिग्री कौन से डिग्री के साथ आप रिलेटेड कर सकते हो व्हिच इज योर नोन एंगल 90 के साथ आप रिलेट कर सकते हो 18 डिग्री को मतलब इफ यू कंसीडर थीटा 18 डिग्री तो क्या होगा 5 थीटा इक्वल टू 90 बट मुझे साइन 5 थीटा पता नहीं इसके बाद आप करो मिला सर मिल रहा है
मिराज क्या कर रहा है? डन मिला किसी को? नहीं आ रहा। ओके, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 5 बाय 2। सर आ गया सर, एंड में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आता है सर। बताओ। बोलो क्या मिला, क्वाड्रेटिक क्या मिला? फोर साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मिला क्वाड्रेटिक में। फिर साइन ए इज इक्वल टू माइनस टू, आई यूज द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर। So there you are getting two answers. Plus minus. Sir, 4 sin square theta, 4 sin square theta plus 2 sin theta minus 1. 4 sin square theta. Sir, kya? 4 sin square theta. 4 sin square theta minus? Plus 2 sin theta. 2 sin theta minus 1. सर 2 थीटा एक साइड में लेने का और 3 थीटा को वो साइड में लेके जाने का, फिर दोनों साइड को साइन करने का। ओके, तो 2 थीटा यू कैन राइट 5 बाय 2 माइनस और 3 थीटा, ठीक है। नाउ यूज साइन बोथ दी साइड्स, तो साइन 2 थीटा बिकेम sin 5 by 2 minus 3 theta, sin 2 theta formula, 2 sin theta cos theta, sin 90 minus 3 theta. Cos 3 theta, cos 3 theta ka formula. Cos 3 theta sir, sir ek second. 4 cos cube theta minus 3 cos cube theta minus cos theta, 3 cos theta. 4 cos q theta minus 3 cos theta. Cos theta you can take common. 4 cos square theta minus 3. Cos. Brother? 4 cos q theta minus 3 cos theta. ठीक है ना? हाँ sir. हाँ sir. Can I cancel cos theta? हाँ sir. क्यों? Non-zero. Non-zero क्यों? सर क्योंकि 5 थीटा 90 डिग्री है ना सर, तो थीटा तो सर मिनिमम होगा। थीटा 18 डिग्री, ओके 18 डिग्री, थीटा 18 डिग्री, इसलिए कट जाएगा आपका cos 0 होने के लिए 90 आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्लियरली cos थीटा नॉन जीरो, सो यू कैन कैंसिल, हैव टू राइट दिस थिंग,
cos theta equal to cos 18 degree clearly non zero. That's why you can cancel. That's then you will get 2 sin theta equal to इसको साइन में कन्वर्ट कर दो 4 माइनस 4 sin square theta minus 3 इक्वल्स 4 sin square theta plus 2 sin theta minus 1 equal to 0 this is quadratic of sin theta okay. sin theta का quadratic equation है तो sin theta क्या होगा ये फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है तो आपको फॉर्मूला डालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक का तो फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बी स्क्वायर माइनस अपॉन टू ए बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी माइनस फोर एसी करेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा अपॉन टू ए ठीक है ये हो गया 20 20 द रूट 20 टू रूट 5 तो 2 प्लस सॉरी माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 8 8 2 इनटू 4 तो देयर आर टू आंसर्स 2 कॉमन ले लेने का सर तो सर वो माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 4 अनदर इज द माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 4 सो टू आंसर्स कमिंग तो कुछ नेगलेक्ट करेंगे हाँ सर माइनस वाला सर पॉजिटिव है ओके दिस वैल्यू साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव वैल्यू दिस वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू थीटा बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव हो जाता है पॉजिटिव हो जाएगा हां ओके इतनी की तो साइन थीटा मतलब साइन 18 क्या मिला रूट 5 माइनस 1 बाय 4 मिला हाँ सर तो फ्रॉम देयर फाइंड आउट cos 18 यूजिंग sin 18 वैल्यू फाइंड आउट cos 18 Done. Root 5 plus 1 by 4. हाँ ये कहाँ से मिला
यूजिंग साइन 18 फाइंड आउट कॉस 18 डिग्री कॉस 18 को साइन फॉर्मेट में क्या लिखूंगा साइन 18 यूज करके क्या लिखूंगा cos 18 डायरेक्ट माइनस ऑफ sin 18 हो जाता है ना सर तो सर वो 1 माइनस रूट 5 बाय 4 हो जाएगा वो कहां से लाए 1 माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यू कैन राइट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो हियर यू विल गेट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का रूट ओवर प्लस माइनस होना चाहिए बट इन दिस केस माइनस नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट अदरवाइज प्लस माइनस वन होना चाहिए ठीक है इट इज 1 माइनस sin स्क्वायर 18 इसका रूट ओवर व्हिच इज 1 माइनस sin स्क्वायर 18 इसका होल स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा 6 माइनस और 2 रूट 5 बाय 16 व्हिच इज 16 माइनस 6 10 प्लस 2 रूट 5 by 16 इसका रूट ओवर तो आंसर होगा cos 18 अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 by 4 अब निकालो cos 36 cos 36 डिग्री कितना होगा cos 36 degree 3 minus root 5 upon 3 minus root 5 upon 8 uska root over ye bol rahe ho na aur kisko kya mila root 5 plus 1 by 4 1 by 4 plus 1 by 4 right cos 36 root 5 plus 1 by 4 ha sir root 5 plus 1 by 4 sin 36 kitna hoga idhar se dekh ke bata n minus 2 root 5 root over by 4 ठीक है क्योंकि यहां से ये आया था इधर से ये मिलेगा तो ये माइनस के लिए प्लस हुआ था प्लस के लिए माइनस होगा तो अभी तक जितने फॉर्मूले किए थे जैसे साइन 15 कॉस 15 डिफरेंस प्लस माइनस में था साइन 15 रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2 कॉस 15 रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 साइन 22 एंड हाफ कॉस 22 एंड हाफ वही रूट मतलब प्लस माइनस में डिफरेंस था बट इसमें नहीं है हियर साइन 18 कंपैरेबल विद योर कॉस 36 नॉट कॉस 18 साइन 18 कंपैरेबल विद योर कॉस 36 ये रूट 5 माइनस 1 बाय 4 ये रूट 5 प्लस 1 बाय 4 एंड साइन 36 कंपैरेबल विद योर सर सर पर cos 18 और cos 36 में रिलेशन क्या है कि दे आर नॉट कंपैटिबल मुझे जो मिला ट्वाइस हो जाता है ना 2 थीटा
थीटा और टू थीटा का ओके 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 मुझे जो मैंने तो सिंपलीफाई करके बताया ना तो मुझे जो मिला अभी तक जितना मिल रहा था साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री ये दोनों कंपेरेबल होता था ये रूट थ्री माइनस वन बाय टू रूट टू इसमें आ रहा था रूट थ्री प्लस वन बाय टू रूट सिर्फ डिफरेंस होता था प्लस माइनस हाँ सर बट यहाँ पे नहीं हुआ इसमें थोड़ा अलग हो गया साइन 18 कंपेरेबल विद कॉस 36 दोनों का रिजल्ट सिमिलर रिजल्ट नॉट सेम ये माइनस में ये प्लस में लाइक कॉस 36 साइन 18 सॉरी sin 36 and cos 18 these two are comparable ab sin 18 ko cos mein kitna likhenge cos of 62 degree cos 72 to 18 ko radian mein kitna likhenge 18 degree radian mein kitna hoga pi by 10 कितना होगा को क्या लिखोगे पाई बाय फाइव पाई बाय फाइव 54 को क्या लिखोगे 3 पाई बाय 10 ये सब मैंने पहले बताया था कि इसका सब करेंगे हाँ सर कॉस 36 साइन 54 हाँ सर So these are your formula. You have to remember all this. चलो आज भी और कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ सिर्फ चार फॉर्मूला हुआ नेक्स्ट टाइम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन आज असाइनमेंट 6 इज योर होमवर्क सर एक काम करो ना सर आप ग्रुप पे डाल दो ना सर वो साइट खुल रहा ही नहीं है सर सर्वर डाउन है ऐसा बता रहे हैं इंटरनल हाँ सर ग्रुप पे डाल दो ना सर हाँ सर नहीं खुल रहा वो नेट पे थोड़ा इशू होता ही है तो नेट सर्वर डाउन आ रहा है खुलता नहीं है वेबसाइट भी खुलता नहीं है प्रॉपरली इसलिए हाँ सर वेबसाइट तो वो लोग प्रॉब्लम कभी कभी नहीं होता